जिला परिषद और पंचायत समिति सार्वत्रिक चुनाव 2020 का आगाज होने के बाद सभी उम्मीदवार प्रचार प्रसार के लिए अपने क्षेत्र में मतदाता के द्वार द्वार जाकर चुनकर देने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। दौलामेटी से नितिन अड़सर, देवराज कड़ू सोनेगांव निवासी से डॉक्टर पूजा उके, सुरेखा कुमरे, शालुताई बर्वे, इन सभी उम्मीदवारों ने जमकर प्रचार किया। इस दौरान हमने उम्मीदवारों से बात की। जिला परिषद और पंचायत समिति की सार्वत्रिक चुनाव यहाँ होने जा रही है। 7 तारीख को इसका चुनाव है और इसी के मद्देनजर रखते अपने साथ पूजा अंबादास उके और सुरेखा विशाल कुंभारे, ये उम्मीदवार है कुमरे, हाँ ये उम्मीदवार है अपने साथ और वो इस चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे, अभी चुनाव नज़दीक आते जा रहा है और ऐसे में आपकी रैलियाँ और सभा चलती जा रही है, क्या उम्मीद रखती है आप इस चुनाव से? उम्मीद यही रखते हैं कि इस बार हो रहे हैं इलेक्शन, वो भी 2012 के बाद, और ये बहुत लंबा टाइम हो चुका है, 7-7.5 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस बार जो जिला परिषद के लिए और पंचायत समिति के लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें आप भर भर के आशीर्वाद दीजिए, नए कैंडिडेट को चांस दीजिए और पार्टी जो है ऊपर जो बैठे हैं, समीर मेघे सर है, गडकरी सर है, फडणवीस सर है, इनके हाथ मजबूत करने के लिए जो नीचे हम लोग जो चुन के आने वाले हैं तो उनको हम लोग सहयोग देंगे। आप लोगों की जो लोकल लेवल पे जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे हम ऊपर तक लेके जाएंगे, वो हम लोग उनके हाथ बनेंगे, मजबूत हाथ बनेंगे ताकि आप सबकी सहायता हम कर सकें और उन तक हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स लेके जा सकें। कुछ विकास की बातें भी आप करती होंगी, तो कुछ विकास जो रहा है उसके ऊपर भी आप नज़र रखते हैं, तो इस विकास के लिए आप क्या करना चाहेंगे? समीर मेघे के तरफ से, अगर पंचायत समिति के तरफ से मैं खड़ी हुई हूँ तो जहाँ के भी आधे अधूरे अगर काम है तो वो काम को पूरा करना एक मैं कर्तव्य समझूंगी और वो करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत से जगह है और पहले के ऐसे मेंबर कुछ है जो आधे अधूरे काम छोड़ दिए हैं, तो उसको पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। दौलामेटी परिसरामध्ये माननीय देवरावजी कडू जिल्हा परिषद उमेदवार, त्याचप्रमाणे पंचायत समितीचे उमेदवार नितीनभाऊ अळसळ यांचा जो प्रचाराचा झंडा वाहत आहे, त्यांनी च्या उमेदवारांना प्रचारामध्ये आजच्या तारखेला मागे टाकले असून वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 व वार्ड नंबर 4 असा आजपर्यंतचा प्रवास प्रचाराचा झालेला असून आज समोर उद्यापर्यंत आम्ही राहिलेले जे वार्ड नंबर 4 आणि 5 आहेत हे पूर्ण करू। राहिला विकासाचा प्रश्न आणि मतदारांचा आम्हाला जो सपोर्ट आहे, तुम्ही मागच्या बाजूला आमच्या परिसरामधील आई बहिणी आणि मतदार बंधू आणि भगिनी आमच्या मागे उभे आहेत, मतदानांचा जो आम्हाला सपोर्ट आहे हा 100% आहे, कारण की दौलामेटी परिसरामध्ये मागील 4 वर्षामध्ये जो विकासाचा धंदावाद दौलामेटीमध्ये सुरू आहे त्याचे हे आम्हाला फळ आहे, कारण की 70 वर्षापासून काँग्रेसच्या राजवटीने फक्त मतदारांना लोकांना गुमराह करायचं काम केले, परंतु विकासाचे काम शून्यावर होते। मागील 4 वर्षापासून बीजेपीच्या सरकारमध्ये हा विकासाचा झंडावाद चालू असून येत्या 7 तारखेला मतदार बंधू आणि भगिनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीने गडकरी साहेबांनी, आमदार साहेबांनी, समीर भाऊंनी आमचे जिल्हा परिषदचे उमेदवार माननीय देवरावजी कडू व नितीन भाऊ सर यांच्यावर जो पार्टीने विश्वास दाखवून यांना उमेदवारी दिली, त्यांनी उमेदवारी दिल्यानंतर मतदार बंधू आणि भगिनी येत्या 7 तारखेला बाकीच्या पूर्ण उमेदवारांची डिपॉझिट जप्त करून येत्या 8 तारखेला यांना प्रचंड मताने विजय करतील व 8 तारखेला आम्ही मोठ्या प्रमाणात जल्लोष साजरा करू व दौलामेटी परिसराचा विकास या जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य व समीरजी मेघे व आमची ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून पूर्ण करू हा विश्वास। हमारे साथ यहाँ उपस्थित है ज्येष्ठ कार्यकर्ता कमलाकरजी इंगड़े और बूथ अध्यक्ष और विस्तारक है वो, तो उनसे हम ये चुनाव प्रचार के दरमियान जो
लोगों की प्रतिक्रिया है वो भी जान लेंगे, और विद्यमान सरकार के द्वारा जो यहाँ पर जो पुराने सरकार द्वारा जो विकास काम हो रहे थे यहाँ पर, वो जो रुके हुए कार्य है, जो रोका गया है, उसके लिए हम इनसे चर्चा करेंगे। कमलाकर जी इंगड़े, मैं सोनेगा निपानी सरकार अध्यक्ष और विस्तार के ऐसे से ये बताना चाहता हूँ कि भूतपूर्व जो सदस्यगण हैं जिन्होंने हमारे लोगों के वोट लेने के पश्चात किसी भी प्रकार का विकास का कार्य तो किया नहीं, किंतु दर्शन भी मतदारों को कभी 7 साल में दिया नहीं, हमारे से नदारत रहे, और उसके वजह से हमारा जो एरिया है सोनेगांव निपानी श्रमिक नगर ये अविकसित रहा है। लेकिन जब से हमारा पैनल ग्रामीण विकास आघाड़ी चुनकर आया है तब से हमारी 10 सदस्य उस ग्राम पंचायत में है, और तब से विकास का कार्य लोकप्रिय युवा नेता समीर जी मेघे इनके माध्यम से हो रहा है। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा। 2 महीने पहले जो धुपकाला गया जिसमें पानी की किल्लत थी, आप सभी जानते हैं, इस किल्लत को दूर करने का बड़ा क्रांतिकारी कार्य हमारे समीर जी मेघे ने किया। 9 करोड़ 80 लाख रुपए केंद्र से लाकर हमारे लोगों को अम्बाजरी से पाइपलाइन जोड़कर, जिसको हम जल जीवन कहते हैं, हमारे जीवन को सुखद करने का कार्य उन्होंने अद्भुतपूर्व कार्य किया है, जिसकी वजह से इस कॉलोनी के लोगों को, दत्तवाड़ी में सुरक्षा नगर इस परिसर को पीने योग्य पानी हो न हो लेकिन सबको पानी मिला, जिस वजह से आयुध निर्माणी जो 2 महीने के लिए बंद होने जा रही थी जो चलती रही और 54 घंटे ओटी हमें प्राप्त हुआ। इसलिए हमें उम्मीद है कि उनके कार्य की पावती और उनके उम्मीदवार होने के नाते और पिछले लोगों ने विकास के कोई कार्य नहीं करने की वजह से लोगों में बड़ा आक्रोश है, असंतोष है, जिसका फायदा हमें मिलने जा रहा है। हमने जो गांव की दौरे किए हैं जिसमें ऐसा भारी संख्या में हमको भरघोस ऐसा साथ मिली है, और हम आपको बता देना चाहेंगे 2012 की जो परिस्थिति थी उस वक्त शायद भाजपा बड़े जोर शोर से नहीं आगे आई थी, लेकिन 2014 से जो ग्रामीण भाग में उज्ज्वला गैस है, पाजर तला है, तुम्हारे पंतप्रधान आवास योजना है, पांडन रस्ते है, इस तरह के क्रांतिकारी कार्य, सीमेंट रस्ते है, ये गांव-गांव में पहुंचाने के वजह से नितिन जी की गडकरी ने जो यहाँ कार्य किया है, तुम्हारे जी ने जो कार्य किया है, इस वजह से आज भगवा फड़कने जा रहा है। और हम आपको दावे के साथ बताना चाहते हैं कि डॉक्टर पूजा उके और हमारी सुरेखाताई कुमरे, इनका विजय सुनिश्चित है। इसका वजह यह है कि आप पिछला रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 12 में कांग्रेस को बहुत सारा भरघोस यश मिला था और मतदान भी बहुत ज़्यादा मिला था, लेकिन 2014 की ग्राम पंचायत आपको बताएंगी, 2014 की लोकसभा आपको बताएंगी, 2019 की लोकसभा आपको बताएंगी और 2019 की विधानसभा आपको बताएंगी। आप सभी जानते हैं कि तुमाने जी 1,27,000 से जीते हैं और आमदार की में समीर जी मेघे 46,116 से जीते हैं। इस बात का द्योतक है कि कमल फूलने जा रहा है, कमल जीतने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कमल के जो हमारे उम्मीदवार हमने दिए हैं, हमारे ही सिफारिश से ये कैंडिडेट हमने तय किए हैं, जो आमदार की जय और बावन कुले जी ने दिया है, हमें उम्मीद है कि इस बात को लोगों ने सराहा है और इस बात को मन में ठान लिया है कि इस बार परिवर्तन सुनिश्चित है। और इसी वजह से हम बताना चाहते दावे के साथ कि हमारा दोनों कैंडिडेट कम से कम 200 से 250 मत से जीतेंगे, लेकिन जीते बिना नहीं रहेंगे, और आप देखते रहेंगे कि कमल फूल रहा है और पंजा कट रहा है, ये आपको नदारत जो बात है ये आपको वाकई में अनुभव में आए जाएंगे।